यार एक्ने हो गया, दर्द हो रहा है इसमें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई एम गोना बी शोइंग यू माय नाइट स्किन केयर रूटीन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं अभी जिम से आई हूँ इसलिए मेरी बुरी हालत हो रखी है और मैंने टी शर्ट भी जिम वाली पहन रखी है और मेरा फेस बहुत डल लग रहा होगा, आई नो, बिकॉज आई एम डैम एग्जॉस्टेड। ओह माय गॉड, सबसे पहले हेयर बैंड लगा लेते हैं जो कि मैंने मिनीसो से बाई की। दिस इज द क्यूट हेयर बैंड फ्रॉम मिनीसो। लगा लूंगी ताकि मेरे बाल निकले ना और मेरे स्किन केयर में कोई ऑब्स्टेकल ना आए। बहुत ज्यादा क्यूट है। सो मैंने क्यूट सा हेयर बैंड और जो सॉफ्ट सा है लगा लिया है। लेट्स फॉलो नाइट स्किन केयर रूटीन। अगर आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा मैं मेकअप वाइप्स यूज करती हूँ। इट्स नॉट मेकअप वाइप्स, जस्ट ये आपके फेस को क्लीन करता है और ये है फॉर ऑल स्किन टाइप। ये मैंने लोकल शॉप से परचेज किया है। वैसे मैंने एक दूसरा भी परचेज किया है फ्रॉम मिनीसो, बट पहले मैं इसका खत्म होने का वेट कर रही हूँ, तब मैं वो यूज करूंगी। ओके, आई विल नॉट वेस्ट दिस। सो लेट्स टेक आउट वन एंड क्लीन माई फेस जेंटली। Don't forget your forehead. Clean your face thoroughly. Don't forget your eyes as well. आपको इसका dirt दिखाती हूँ, पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा। It is dirty now. I don't know if you can see. अब करेंगे face wash. मेरे subscriber को तो पता होगा मैं कौन सा face wash use करती हूँ, but फिर भी मैं दिखा देती हूँ। ये है मिनिमलिस का सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश। ये मेरे लिए ब्लेस है। अगर आपकी एक्नी प्रोन स्किन है और ऑयली स्किन है तो ये प्रोडक्ट आप परचेज कर सकते हैं। इट इज़ अ ब्लेस फॉर योर स्किन। आई डोंट यूज माई हैंड्स फॉर वॉशिंग माई फेस, आई यूज दिस ब्रश। तो यहाँ से आप अपना फेस वॉश कर सकते हो। यहाँ से मुझे इसका यूज नहीं पता। ये आपके फेस पैक के लिए है, अगर आपको फेस पैक लगाना है तो आप इसे यूज कर सकते हो। दिस इज रियली यूजफुल इन विंटर्स टाइम। समटाइम्स यू नो यू डोंट वांट टू यूज योर हैंड्स, सो यू कैन यूज दिस ब्रश। एंड ये इतना कॉस्टली भी नहीं है, बहुत चीप है। मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन पे। आई विल कम बैक इन अ जिफी। मैं अपना फेस वॉश कर लेती हूँ। मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है। लेट मी वाइप माई फेस नाउ। ये फेस टॉवल है बाय द वे, इट्स वेरी सॉफ्ट एंड इट्स रियली यूजफुल फॉर योर फेस। आपको रेगुलर टॉवल से अपना फेस वाइप करने की कोई नीड नहीं है, जस्ट यूज दिस क्लॉथ। नाउ सेकेंड स्टेप इज टोनर। टोनर के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट डी ऑर्डिनरी का ग्लाइकोलिक एसिड टोनर एंड सेकेंड स्नेल म्यूसिन। लेट मी शो यू द प्रोडक्ट्स। फर्स्ट प्रोडक्ट ग्लाइकोलिक एसिड फ्रॉम डी ऑर्डिनरी। तो गाइज ये है AHA, इसे हम डेली बेसिस पे यूज नहीं कर सकते। और जब आप इसे यूज करोगे फॉर द फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम और एवरी टाइम, यू विल फील टिंगलिंग ऑन योर फेस लाइक 2-3 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद ये ईज अप हो जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट। ठीक है, तो मैंने इसे लाइक 10 डेज तक यूज किया है। इट रियली गिव्स रिजल्ट लाइक इंस्टेंटली आई वुड से। इससे मेरे एक्ने स्पॉट रिड्यूस हुए हैं एंड एक्ने आना भी मेरे को कम हो गए हैं। वैसे मुझे एक्ने इतने आते नहीं है, बट समटाइम्स यू नो जब जंक फूड मैं ज्यादा खा लेती हूँ बाहर का तो मुझे एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है। बट इसने रियली मेरी हेल्प की है बहुत ज्यादा। एंड इसमें 7% ग्लाइकोलिक एसिड है, तो आप रेगुलर यूज ना करें अगर आप ये बाय करते हो तो। वैसे तो ये मेरी स्किन पे सूट हो गया। इट्स नॉट नेसेसरी कि मेरी स्किन पे सूट हो गया तो आपकी स्किन पे भी सूट हो गया, बट यू नो विदाउट रिस्क यू कैन नॉट गेट एनी काइंड ऑफ रिजल्ट, सो जस्ट गिव इट अ शॉट। इसे रेगुलर यूज नहीं करती मैं, इसे ऑल्टरनेट डेज पे यूज करती हूँ। एज आई ऑलरेडी मेंशन, इसमें ग्लाइकोलिक एसिड 7% है, तो आप इसे ज्यादा यूज करोगे तो आपकी स्किन और सेंसिटिव हो जाएगी और आपको सनस्क्रीन की एप्लीकेशन बार बार अप्लाई करनी पड़ेगी, जो कि हम करते नहीं है एज यूजल। से मैंने और भी वीडियोस बनाई थी स्किन केयर पे, तो आपको पता होगा मैं पहले मिनी मलिस का डोनर यूज करती थी और बीच में मैंने प्लम का डोनर भी यूज करना स्टार्ट किया था। प्लम के डोनर ने मुझे इतने अच्छे रिजल्ट नहीं दिए, लाइक मैं कहूंगी उसने तो कुछ किया ही नहीं मेरी स्किन पे। आई वुड से मतलब इट्स अ एवरेज टोनर और जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी फॉर मी प्लम टोनर। एंड सेकेंड थिंग, मिनी मलिस के डोनर आपकी स्किन को अनइवन से इवन बनाता है। एंड मिनी मलिस का डोनर आई वुड से टाइम लेता है, बट इट गिव्स यू रिजल्ट 100%। तो हम इसे यहाँ से ओपन करते हैं। ठीक है, इसे ऐसे करके पूरा खुल सकता है, बट आप इसे पूरा मत खोलना, इसे सिर्फ ऐसे घुमाना। ठीक है, तभी ऐसे निकल जाएगा, और इसे बंद कर दोगे तो ये नहीं निकलेगा। लगाने से पहले इसको शेक कर लेना, देन इसे थोड़ा सा रोल अप करना एंड हाथ में ले लेना। गाइस ज़्यादा मत लेना क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग होता है, थोड़ा सा लेना। आई हैव अप्लाइड ग्लाइकोलिक एसिड, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप है स्नेल म्यूसिन। ये मैंने बहुत लाइक यूट्यूब के शॉर्ट्स में देखा था, बहुत ज़्यादा वायरल है ये प्रोडक्ट, सो आई जस्ट वॉन्टेड टू ट्राई, इसलिए मैंने बाय किया। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ ये हर किसी को सूट नहीं करेगा। जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम लगाया था तो मुझे भी आई थिंक 1-2 एक्ने हो गए थे साइड में, बट आई वॉज स्टिल कन्फ्यूज कि शुड आई ट्राई दिस और नॉट। बट ठीक है, अभी जस्ट लाइक आई यूज दिस फॉर 5 डेज आई वुड से।
ठीक है, तो मैं इतनी जल्दी से जज नहीं कर सकती। पहले मैं इसे बेयर स्किन पे अप्लाई करी थी, दैट्स व्हाई आई थिंक आई वाज गेटिंग एक्ने, बट अब मैं इसे बेयर स्किन पे यूज नहीं करती, डायरेक्ट पहले मैं ग्लाइकोलिक एसिड लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं इसे यूज करती हूँ। वैसे तो है तो ये भी टोनर, ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, बट यार मैंने इस पे यू नो आई हैव इन्वेस्टेड माय मनी इन दिस प्रोडक्ट, सो आई कांट वेस्ट माय मनी लाइक दिस, दैट्स व्हाई मैंने पहले एक ग्लाइकोलिक एसिड टोनर अप्लाई किया, इसके बाद मैं ये अप्लाई करूंगी। इफ यू वांट टू ट्राई आउट दिस प्रोडक्ट आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। इसकी पैकेजिंग ऐसी है, ये यहाँ से ओपन होता है एंड ये पंप अप है, तो हम इसे ज्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा सा लेंगे, लाइक आप 2 times पंप अप कर लेना। एंड इसकी कंसिस्टेंसी है जो वो काफी स्टिकी है, देखो मैं दिखा देती हूँ, ये देखो कितना स्टिकी है। इसे रब मत करना स्किन पे, जस्ट पैट पैट ऑन योर स्किन, तो ये अपने आप ऑब्जर्व कर लेगा। डोंट फॉरगेट योर कॉर्नर्स, अराउंड लिप्स, अराउंड नोज, जो रेसिड्यू है उसे रब करना और नेक पे लगा लेना। लेट मी टेल यू वन थिंग, जब आप इसे अप्लाई करते हो तो स्किन में ऑब्जर्व हो जाता है, आपको बिल्कुल लाइक स्टिकी फील नहीं होगा, आपको ऑयल फ्री फील होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट नाउ। राइट नाउ आई हैव प्लम मॉइस्चराइजर ग्रीन टी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, मैं इसे यूज कर रही हूँ एंड इसके रिजल्ट आई वुड से हाइड्रेट करता है स्किन को, एंड ये ऑयल फ्री है, इसमें भी पंप है, इसे भी 2 times हम पंप अप करेंगे, दैट्स इट। Rub on your fingers, then pat pat on your skin. Generally, don't rub any product on my skin. I don't prefer rubbing because I feel when you rub your skin, ये बहुत harsh होता है, which I believe. सीधू अपने neck पे लगा लेना front and back. I have one more product which is niacinamide serum. मैं उसे like daily use नहीं करती, मैं उसे तब use करती हूँ जब मुझे लगता है कि मेरा face बहुत ज़्यादा oily हो रहा है and black heads हो रहे हैं, white heads हो रहे हैं, या तो you know like uneven skin tone, तब भी मैं उसे use करती हूँ, otherwise I don't prefer using serums because you know उसमें acid होता है, that's why. आपको बता देती हूँ मेरे पास कौन सा serum है niacinamide का, मेरे पास है The Ordinary का and इसमें 10% niacinamide है and zinc 1%. मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी आप सीरम यूज करते हो या कोई ऐसी चीज यूज करते हो जिसमें एसिड इंक्लूड होता है, आप उसे नाइट में ही यूज किया करो, ठीक है, एंड मॉर्निंग में आप सिर्फ टोनर एंड मॉइस्चराइजर यूज किया करो, एंड सनस्क्रीन, डोंट फॉरगेट सनस्क्रीन, सनस्क्रीन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ योर स्किन केयर रूटीन। आई वॉन्ट अप्लाई दिस प्रोडक्ट बिकॉज आई डोंट कंसिडर इट सिग्निफिकेंट राइट नाउ, लेट्स अप्लाई समथिंग ऑन माई लिप्स। राइट नाउ आई एम यूजिंग वैसलीन लिप थेरेपी रोजी लिप्स, ये आपके लिप्स को मॉइस्चराइज रखता है एंड इट्स ट्रू, इट्स रियली हाइड्रेटिंग ऑन योर लिप्स, मैं इसे मॉर्निंग में भी अप्लाई करती हूँ एंड नाइट में भी, एंड इट्स रियली गुड प्रोडक्ट, ट्रस्ट मी। ऐसा लगता था कि ट्रांसपेरेंट जो आती है इसका कलर ट्रांसपेरेंट होता है उसमें एंड इस कलरफुल वैसे में कोई डिफरेंस नहीं है, बट ये उससे ज़्यादा हाइड्रेट करता है आपके लिप्स को, दो इसका कलर पिंक है बट ये आपके लिप्स पे कोई कलर नहीं देता, ये भी ट्रांसपेरेंट ही हो जाता है आपके लिप्स पे जाके व्हेन यू अप्लाई दिस एक्चुअली। तो गाइस दैट वाज इट, दिस वाज माय नाइट स्किन केयर रूटीन, आई होप यू लाइक दैट। मैं आपको प्रोडक्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, चेक कर लेना। थिंग जरूरी नहीं है कि सारे प्रोडक्ट मुझ पे सूट होते तो आप पे भी होंगे, मैंने सब कुछ रिस्क लेके लिया है तो आपको भी रिस्क लेना पड़ेगा। ओके बाय गाइस, इफ यू रियली लाइक माय वीडियो जस्ट हिट द बेल बटन टू गेट नोटिफाइड फॉर न्यू मोर वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियो। Thank you.